नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। अजमेर में घी निर्माता कंपनी की ओर से किए जा रहे अपने उत्पाद के इश्तहार में चित्रगुप्त महाराज की फोटो लगाने और अपमान करने का आरोप लगाते हुए कायस्थ समाज ने अपनी नाराजगी दर्ज करवाई है। मामले को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराने आए समाज के लोगों ने इश्तहार में से महाराज की फोटो हटाने की मांग भी की है। महाराज चित्रगुप्त की फोटो हटाने की मांग की सरकार के नाम जिला प्रशासन के पास ज्ञापन देने पहुंचे। हम मैदान में हैं। किस तरह आपने देखा, इंडिया नमस्ते जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने चित्रगुप्त जी का अपमान करा है और आज पूरे हिंदुस्तान में कायस्थों में रोष है। और कायस्थों में नहीं, आम हिंदुओं में भी है, क्योंकि ये जो चित्रगुप्त जी लेखा जोखा करते हैं पूरे हिंदुओं का करते हैं, पूरे समाज का करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली कायस्थों का ही करते हैं। तो हम सभी को रोष है कि इस तरह के विज्ञापन जो चित्रगुप्त जी का अपमान जिस पर किया जा रहा है, और ये दर्शाया जा रहा है कि जैसे भगवान को एक रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है। आप ऐड देखिएगा, आपको पता चलेगा किस तरह से उसमें एक कार्टून का बनाकर और उनको एक नमूना टाइप का बताया गया है। तो ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के भैरुवास ग्राम के पास अजमेर से वजीरपुर की तरफ जा रहे गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और लालसोट की तरफ आ रही ट्रैक्टर ट्रोली के बीच हुई टक्कर में सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। आपको बता दें कि टक्कर के बाद ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अनियंत्रित होकर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया, जिसके कारण गैस सिलेंडर सड़क पर बिखर गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का कार्य किया। सिरोही जिले के रेवदर ब्लॉक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय मेले का आयोजन आज किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर रेवदर में सभी रोगों के डॉक्टर उपलब्ध रहे। साथ ही ब्लॉक CMHO विजय सांखला ने बताया कि एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय मेले में रेवदर तहसील में नियुक्त सभी चिकित्सक रोगियों के रोगों की जाँच कर रहे हैं, जिसमें मानसिक रोगी, तपेदिक के रोगी, दंत रोगी और विभिन्न रोगों से ग्रस्त रोगियों की जाँच हो रही है। इस मेले में ब्लॉक के सैकड़ों रोगी जाँच कर लाभान्वित हो रहे हैं। सांगला ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवदर, आज हमारे ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला रखा गया है जो 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा, जिसमें संबंधित सभी रोगों के विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे और उसमें हर तरह की जांचें की जाएगी। ट्यूबर क्लोसिस है, दंत रोग विशेषज्ञ है, अस्थि रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, ये सारे हमारे यहाँ चिकित्सक उपस्थित हैं। तो सेवाएं आप अधिक से अधिक लें और अधिक से अधिक संख्या में मेले में पधारकर सेवाओं का लाभ लें। उपकरण व पंचायत समिति पीपलकोट व विधानसभा क्षेत्र घाटौल की ग्राम पंचायत रोहनिया में सभी आधारभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। पेयजल बिजली समस्या और क्षतिग्रस्त सड़कों से आमजन बेहाल है। ग्रामीण दशरथ मीणा ने बताया कि पानी की टंकी से सप्लाई नहीं होने से इस भारी गर्मी में पशुओं को पानी पीने में बहुत परेशानी हो रही है। पिछले 17 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, इसलिए ग्राम पंचायत रोहनिया की धीरे धीरे स्थिति बहुत खराब होते नजर आ रही है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से निवेदन किया कि सभी सड़क, बिजली और पानी की लाइन प्रतापगढ़ जिले से ही जाए, जिससे रोहनिया की समस्या का समाधान हो सके। ग्राम पंचायत रोहनिया में जो पानी की टंकी की सप्लाई नहीं होने से ग्राम पंचायत में जो पशु पक्षियां पानी पीने में बहुत समस्या आ रही है, और प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत रोहनिया जो कि बांसवाड़े ज़िले में सीमा पर बसी हुई हैं, इसमें हमारे ग्राम पंचायत रोनिया में जो पाइपलाइन का पानी आ रहा जो बांसवाड़े ज़िले में होके आता है और बिजली है वो भी बांसवाड़े ज़िले में होकर आती है, और सड़क है वो भी हमारे ग्राम पंचायत रोनिया जो बांसवाड़े ज़िले से आती है, इसलिए हमारी तमाम चीज़ें वहाँ से आती हैं। तब से हमें समय पर नहीं मिल रही है। स्थानीय चौ बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव और पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दूसरे दिन कार्यक्रम अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए वर्ष पर्यंत की गतिविधियों का लेखा जोखा, वार्षिक प्रतिवेदन वाचन किया और साथ ही महाविद्यालय के संकाय सदस्यों की उपलब्धियों से परिचित कराते हुए कहा कि संकाय सदस्य मंत्रालय कर्मचारी
सहायक कर्मचारी व छात्राएं महाविद्यालय की रीढ़ है। इको क्लब के तत्वाधान में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर अकादमिक उत्कृष्टता, खेलकूद प्रतियोगिता और वर्ष पर्यंत की गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पुरस्कार वितरित किए गए। छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कोटपुतली में SDM पद पर IAS ऋषभ मंडील ने पदभार ग्रहण किया। SDM ने पद ज्वाइन करने के बाद अलग अलग विभागीय अधिकारियों की मीटिंग ली और कार्यों का जायजा लिया। वहीं SDM की नई ज्वाइनिंग पर अलग अलग सामाजिक संगठन ने उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही IAS अधिकारी ऋषभ ने कहा कि आमजन के कार्यों को बिना परेशानी के डिस्पोज करना और राज्य सरकार की संबल योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपका पहले धन्यवाद। मैंने उपखंड अधिकारी कोटपुतली के रूप में मंगलवार 19 तारीख को ज्वाइन किया है। जो पहली प्राथमिकता है वो अभी मिशन संबल योजना एक चल रही है जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा, तो उसका प्रॉपर क्रियान्वयन करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा अगर अभी गर्मी को देखते हुए अगर ग्राम पंचायत लेवल पे या शहरी क्षेत्र में भी पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, तो उसका निस्तारण करेंगे। ये तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है। उसके अलावा धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में जो भी समस्या है, जैसे अभी नगर पालिका का अपग्रेडेशन नगर परिषद में हुआ है, तो उसके सफल क्रियान्वयन के लिए जैसे कि राज्य सरकार की मंशा है, उस अनुसार जिस भी तरह की ज़रूरत है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या अन्य किसी लाइन डिपार्टमेंट वगैरह से रिलेटेड हो, तो उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके जो नगर परिषद लेवल की फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से संचालित पशु विज्ञान केंद्र सिरोही में ऑनलाइन पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुदीप सोलंकी के निर्देशन में डॉक्टर दीपक गिल और डॉक्टर नरसी राम गुर्जर ने पशुओं के थनेला रोग के कारण, लक्षण, उपचार और बचाव विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण व जानकारी दी। इस प्रशिक्षण शिविर में 22 पशुपालकों ने भाग लिया। वहीं जीवदया और पर्यावरण प्रेमी गोपाल सिंह राव ने सभी पशुपालकों से ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविरों का लाभ लेने की की। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, ऑफलाइन हो रही है और सिरोही के पशुपालकों के लिए दिन रात यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है और अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं, इसका पशुपालकों को फायदा मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TPV News। नमस्कार।